क्या कर रही हो आप? पढ़ाई नहीं बोलते इसको, ड्राइंग। मैं बाहर जा रही हूँ, आप जाओगी क्या? नहीं जाऊंगी। आपको तो लेके नहीं जा सकती ना, आपकी मैम आने वाली है। किसी को पढ़ा देता आज मेरा टाइम। हाँ मेरा टाइम, तेरे एग्जाम चल रहे हैं बिट्टू। फिर एग्जाम फिनिश हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद में किशु को पढ़ाएंगे। आप आराम से मजे करना, ओके? बस आपको लर्न करना पड़ेगा उस टाइम तो। और ये हमारी यश्विनी जो कि पूरे दिन पढ़ाई 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 करती रहती है। मम्मी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। कैसे? ऐसे। मैं मोटी हो गई ऋषभ। अरे यश्विनी, पापा से मेहनत करवा रही, इधर भाई साहब से मेहनत करवा रही है यश्विनी। गुड मॉर्निंग कर दो यश्विनी सबको। It gets confusing when you say you love me. Hello friends, Kamaganisa, good morning. तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और जस्ट अभी मैं और यश्विनी और ऋषभ के पापा हम सब जा रहे हैं कहाँ पे? हाँ, मेरे जो मामी सा हुकुम है बड़े वाले, मामू सा हुकुम है बड़े वाले, वो आने वाले हैं और हम सब जाएंगे आज गाड़ी लेने के लिए। किसके लिए तो आपको मैं अभी बता देती हूँ। रितिका के लिए मामी सा गाड़ी निकलवा रहे हैं। रितिका के लिए नहीं, चारों बच्चों के लिए निकलवा रहे हैं, क्योंकि चारों के चारों बच्चे उस गाड़ी से सीख लेंगे गाड़ी चलाना। इस चक्कर में मामी सा ने बोला कि भाई सा है ना, इनके लिए सेपरेट ही मैं निकलवा देती हूँ। तो आगे जाके मैं आपको बताऊँगी कौन सी गाड़ी ले रहे हैं मामी सा। हाँ, इसको भी लेके चलेंगे। तो आगे जाके सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगी। जैसे भाई जितू मामा है वो भी अपनी गाड़ी नहीं देते बच्चों को, गोपाल मामू सा भी नहीं देते, और मेरे जो पप्पू मामू सा है वो भी बच्चों को गाड़ी नहीं देते। भाई बच्चों को कौन देगा यार, आपको भी पता ही है। मतलब बड़ी गाड़ियाँ होती है तो वो सोचते हैं कि ठोक देंगे तो फिर थोड़ा बड़ा खर्चा हो जाएगा। तो इस चक्कर में मामी सा ने डिसाइड किया है कि चारों बच्चों के लिए एक गाड़ी निकलवानी है। और जो अभी मैं आपके आगे व्लॉग में कंटिन्यू रहना, आपको बताऊँगी कौन सी गाड़ी होने वाली है, क्या होने वाली है। यश्विनी जा रही है मेरे साथ, और रितिका की क्या वहाँ पे, हाँ हाँ, रितिका को क्या है ना छुट्टी वगैरह नहीं मिली मोदी कॉलेज में, मैंने बताया था ना आपको, वहाँ पे वो स्टडी कर रही है तो आज उसका कोई इंटरव्यू वगैरह है तो उस चक्कर में वो नहीं आ पाई। वैसे अगर वो आती तो वो डिलीवरी लेती, बट मामी सा ने बोला कि भाई सा आप चल लो और किशा को भी ले चलो, तो आप दोनों के हाथ से डिलीवरी वगैरह लेंगे। तो नानी सा हुकुम भी है और सब भी है, मतलब हम बहुत मस्ती करने वाले हैं। ब्लॉग में आप कंटिन्यू रहना, बस ऋषभ के पापा नीचे आ जाए और दो मिनट के अंदर अंदर मामी सा मेरे पास पहुंचने वाले हैं। बोलो पापा आ जाओ। ये क्या कर रही है? चिल्लाना नहीं है यशु। हेलो नानी, धोख पप्पू में, धोख मामी से, धोख मैं डिलीवरी आपके ऐसे ही कराएंगे रितिका की जगह, ठीक है ना? रितिका बाप से फोटो चाहिए सब पीछे पीछे बैठेगी क्या? अठो भी बिठाते हो? ये तो इधर से ही घुसती है रोज, ये तो इसकी फेवरेट जगह हो गई। ये लो यशु। ओ नानी आज एक गाड़ी और ले बजा रहे हो? एक और ले बजाओ, देख ले तू। पोता पोती की है? पोते की गाड़ी अलग आ रही है, अलग आ रही है। आप ही घूम जा, आप ही घूम जा, पोता पोती के साथ भी घूम जा ना। घूम जा ही तो, मैं तो बाहर ही दे क्यों दादी साथ। ये बात है, नानी डर रहे को नहीं, चेको है के साथ बिठा दियो। अब ले रहे हो पा अकाली पा जना के थे बैठ तो जैसे हो के दादी साहब। हाँ। मो चाल पर। अच्छा बुलेट पर बैठ रहे हो कि? ओहो अरे डरो को नहीं है ना नानी, डर क्या, कॉन्फिडेंस पूरा है नानी ने, डर क्या। तीनों भी दिन ले, तीनों के साथ दो बार बैठी, एक दिन दोबारा काल पे चलवाऊंगा खाली रोड पर, ईशान की रोड के ऊपर। और फिर भी बाद का माया ना, बिन एक दिन देर दस बारह आ जाओ गांव का चक्कर लगा रहा हूँ सिंगल रोड पर, क्योंकि गाड़ी आप सीख लो और प्रैक्टिस नहीं करो ना गाड़ी कभी नहीं आ पाएगी, पॉसिबल नहीं है। और बड़ी गाड़ी पप्पूआ में देवा बनी, घर में तीन तीन चार चार टावर है। हां तो भगवान जो जितेंद्र ने, मैं कह रहा हूं ना, दो बार दियो, एक बार जिस दिन दी अपा घूम बन गया जिस दिन। हां हां। और एक दिन ना मैं ना गोवा गया ना। हां चलो ओहो डिगी बना भी यही है क्या? खुश रहो खुश रहो। लोग देव नानी सा दो को पढ़ा।
गाइज स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये जो ग्रे कलर की गाड़ी है ये चारों बच्चों की गाड़ी निकल चुकी है। चार नहीं, पांच, मैं भी उधर। अच्छा हमारा ऋषभ ऐसे बोल रहा है मैं भी बड़ा होके ये गाड़ी चलाऊंगा। तो काफी अच्छी लगी ये गाड़ी और आप भी कमेंट करके बताना कि बच्चों के लायक है क्या। और हमारे ऋषभ के पापा भी बोल रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छी है। ओ जीजू सा गाड़ी कैसी लगी? शानदार। वैसे मैं ही लेके जाऊंगी इसको। अच्छा तू अगर इंटरेस्टेड है तो तू भी लेके जा सकता है। अरे अपन तो बाद में चला लेंगे आप देख लो। जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे अभी चलेंगे इसके अंदर। अब बड़ी मम्मी के मजे। हाँ भूल गया बड़े पापा के हाथ में। अच्छा मेरे हाथ से औरत ने भी बोला था ना आपके लिए कि कौन सी औरत ने वो जब अपन हाँ क्या लग गए गाइस ये चॉकलेट है चॉकलेट ये हम किसी को नहीं देंगे। ठीक है दीदी अपन आधा आधा करेंगे आधा आधा ठीक है किसी को बताना नहीं है। ठीक है ठीक है ये गाड़ी लेने के लिए बढ़िया सारे लोग आते हैं अपन पूरे परिवार बड़े पापा के लिए सब गए थे एकदम तीनों परिवार गए थे आज ये ली देख ले अंदर लोग दो दो तीन तीन लोग आते हैं अपने दो दो तीन नहीं अपन पूरे परिवार को लेके चलते हैं अपन दो दो तीन तीन आते हैं लोग अंदर अपन इसे सीधा चलो अंदर। मामी सा कैसा लग रहा है और रितिका तू भी बता दे कमेंट करके तेरे को कैसा लग रहा है। मैंने तो बच्चों के लिए ली है। अच्छी रितिका जी अपन दोनों घूमने चलेंगे। पुरानी गाड़ी में आओ आप हम बच्चों बच्चों की गाड़ी है ये गाड़ी तो मस्त है यार क्यूट सी किशु नरो वाला जो अपन देख रहे नानी क्या की लग रही है बढ़िया लग रही है भाई बढ़िया लग रही है ना आपा पूरा परिवार ही ले चलना गाड़ी ले बहुत शानदार अच्छी लग रही है गणेश जी के मंदिर भी चलना अपन। तो गाइज फाइनली गाड़ी रितिका तेरी ले ली है हमने चारों बच्चे खुश हो जाएंगे देखते हैं कांच बंद करो कुछ पीछे से कांच बंद करनी है नानी कांच बंद कर जाओ। तो हमारी जो यशविनी है ना वो रोने लग गई तो मामू साहब से बोल रहे हैं कि पहले तुम लोग है ना किसू को ले जाओ यहाँ से और फिर बाद में पेट्रोल डलवा लेना। यशविनी ये आपको चॉकलेट मिली है क्या? चॉकलेट मिली है डब्बा की मारुति सुजुकी से है? और ये जेम्स कौन लेके आया आपके लिए? नानू शानी। नानू शानी नानू शाह आपको अच्छे लगते है क्या? अच्छे लगते। कैसे चॉकलेट दिला दी इसलिए? आप रोए क्यों थे यशविनी मुझे ये बताओ हमें फिर से आना पड़ा आपके लिए नहीं तो हम पेट्रोल डला रहे थे यहाँ से। तो गाइज़ फाइनली हम गणेश मंदिर पहुंच चुके हैं जो कि हमारे खिंडी फाटक से थोड़ा सा आगे ही है और यहाँ पे हम हमारी जो न्यू गाड़ी है उसकी पूजा वगैरह करवाएंगे। जो मेरी गाड़ी थी जिमनी उसकी भी हमने यहीं पे करवाई थी मतलब ऑलमोस्ट हम यहीं पे ही करवाते हैं। बाय ये पैन मिले हमारे आई मीन चीजा के जीजा पूजा कर रहे हो पैसे मिलेंगे आपको तो
पंडित जी को मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे। काश मेरे को भी लड़की बना देता भगवान, मैं भी पूजा करता फिर। लड़की बना के पैसे लेता 500 रुपए सीधे। अश्विनी आपने क्या किया? रितिका का ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं, देखेंगे? हाँ देखे मैंने, लड़ाई हो रही है गाड़ी के लिए। गाड़ी के लिए लड़ाई होने लग गई, अभी तो घर पे ही नहीं पहुंची गाड़ी। यशु घर आ गया मामी शका, आप सो गई क्या? ये तो सो रही है, छुपी बैठी है ये। मेरे पास इधर छुपी बैठी है, ये दिखती नहीं है किसी पास। है ना, काफी सारे कमेंट भी आए थे उस टाइम, शादी के टाइम बता रहे हो आप। हाँ 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 टीचर दे। अच्छा नहीं, आपके बच्चों के काफी सारे कमेंट आए थे कि हमारे जो टीचर है ना वो आपके व्लॉग में आए। अच्छा वहाँ पे वो राजपूत होंगे ना? बहुत है, मेजोरिटी में। ओके, और नानी सा कहीं कुछ सोच लाग गयो था के? तेल आपन थोड़ी गलाना गाड़ी के माई। पापा क्यों गलाऊंगा? हाँ मामी सा गला सी। और गाड़ी के आपन बैठ पगा, बैठ पगा आपन है। सही है, अंदर लेवा गाड़ी देख लियो, कत्ती गाड़ी आएंगी अपने घर इस साल के माई। पप्पू मामा भी इस साल में ले आया, जितू मामा भी इस साल में ले आया, मैं भी मेरी इस साल में ले आई, ऋषभ पापा भी इस साल में ले आई, रितिका का बच्चा ना भी इस साल में होगी। है मामू साहब देगा कोई नहीं? ना, मैं तो बंदे हूँ, मैं बाकी ले जाऊँ, कौन ले दूँ? है तो मामू साहब टेस्ट ड्राइव लेके आओ, थे भी शानदार। आगे करिए, हमारी कार ले जाइए, हमारी कार। हाँ आपकी कार नहीं है ये ना रितिका मौसी की है, चुन्नू मामू साहब की, टिन्नू मामू साहब की। बाय कर दो कार को, ये तो गुफ हो गया। चलो ठीक है ठीक है, यशविनी की वापस इधर आएगी। कलर प्यारा लग रहे कलर। हाँ सिल्वर अपने पास है। हाँ नहीं और सही लग रहे, घर में जब तक चीज नहीं आएगी नहीं सीख पाएगी। निचोड़ बैंड आओ चलो, सीख गयो मैं वो नहीं की खुशबू मांग मांग तो लिखा लगो खुशबू बेटा। खाली रोड है, कार लेकर समय से करो, पहले कर दे से करो। चुन्नू दीदी का शुभात लग गए क्यों दीदी? हाँ अच्छे से चलाएंगे। नहीं करनी नहीं करनी, खुशबू रितिका को बोलो। और खुशबू ठोका ठाकी नहीं करनी है, वैसे बॉयज तो नहीं करेंगे? वो दो नहीं है जो करेंगे। हाँ रितिका ग्रुप में लड़ाई किसी कर रही है? अरे लड़ाई नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहते हैं उनको। अच्छा बस अच्छी नहीं है। मैं लिखा कि पहले खाने के लिए लड़ते थे, अब गाड़ी के लिए लड़ रहे हैं। कभी ना आ गए, दो दो रुपए की टॉफियों के लिए लड़ते थे भाई। रितिका तेरा काम मैं कंप्लीट कर रही हूँ, देख ले पैसे भी आपको ही मिलेंगे। मेरी पूछ पैसों के ऊपर ही लटकी हुई है। तू सोच रहा होगा कि मैं लड़की होता था? हाँ यार सही रहता ना, फायदे में रहता। फायदे में रहता है। आ जा खुशबू ले, तू भी कर दे, अब खुशबू रानी भी करेगी हमारे। मैं क्या करती खुशबू जी? एक्साइटेड है गाड़ी के लिए? चप्पे मिल गए, चप्पे मिल गए। चुनो अपन आधे आधे करेंगे, थाली में रख देते हैं। पैसे मिल गए दीदी, पैसे मिल गए। खुशबू जी अपन आधे आधे करेंगे बहन, दीदी अपन भी आधे आधे करते हैं। मतलब तू फायदा
फायदे में गए हमें। हाँ, अपन फायदे में रहेंगे भाई। आधे आधे कर लेंगे, क्या दिक्कत है। चाहिए होंगे आज तो चुन्नू को जाएगा ना। मैं तो जेम्स ले आऊंगी। चुप रहे। किशा को पैसे मिले ना, किशा को पैसे मिलते ही है ना, ऐसे बोल रही है। मैं तो जेम्स लाऊंगी। जेम्स 500 रुपए के जेम्स। अरे अनकी नंगा पिछली बार भी दिए थे के लाओ दे दो। हे भगवान, का हक होता है। मैंने तो वाइफ नहीं करी है। दिमाग भी वाइफ ही खाती है। गाड़ी चक्के दे ले रहे हो ना, नारियल फोड़ा था देखो आओ। तेरी ट्रेनिंग यहीं से चलो, हम देखना चाहते हैं। जा खड़ी कर इसको। ले ये ले 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 तू ले जा। नहीं नहीं मामसा के मुझे पता है। नहीं चला लेगा। तो गाइस आप देख सकते हो गाड़ी की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। खुशबू बोल रही है मैं लेके जाऊंगी, चुन्नू बोल रहा है अगर सिर्फ 6 महीना सीख जाएगा तो के देखो मैं क्या कह रहा हूं। और गड्ढा लेता रहो, मैं टावरा तेल ला रहा हूं। टावरा तेल यार लाग जाओगी। आप ही तभी चले प्लान आई। गोपाल गोपाल मामा से कहेंगे मैं मेरे हाथ से नहीं दूंगा चुन्नू। वो दे सकते हैं। मैंने बड़ी मम्मी दे दी। वो कर ली कोशिश। यस मामी सो या प्लीज मैं चॉकलेट। और मामी सा रितिका को कुछ बोलना चाहोगे आप ब्लॉग के थ्रू? अब हमने रितिका पे इतना खर्चा कर दिया, वो देखें अपना। मामी सा ने बहुत खर्चा कर दिया रितिका तेरे पे। सबसे ज्यादा रितिका पे खर्चा हुआ आपने। देखो मैं बताऊँ इसका। हाँ 11th में आई स्कूटी आ गई। हाँ ठीक है। 12th में आ गई फिर फोन आ गया। फोन आ गया फिर यूनिवर्सिटी गई फिर लैपटॉप आ गया। और अब ग्रेजुएशन हुआ तो गाड़ी। मतलब वो लकी है। हाँ। वो खुद लकी है। खुद के लिए लकी हो। वो खुद के लिए लकी है। खुद के लिए। रितिका देख ले तू बोले खर्चो करा दिए। अब आगे ने ब्याह को खर्चो था नहीं मेटनो है। ठीक है नानी भाई धोख खुश रहो। ठीक है मामी साहब बाय। खुश रहो। थैंक यू बाय खुशबू। साथ में चलते जगह होती नहीं होती, आप तो अपनी जगह होते तो गाइस फटाफट से अब किचन का काम करते हैं। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया, किशा चली गई। अब मुझे थोड़ी सी सब्जी वगैरह बनानी है, साथ ही साथ कपड़े वगैरह भी सुखाने हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप सो आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ये वाला जो व्लॉग है ये 10 बजे ही अपलोड होगा। तो मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।